नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज टॉप 10। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबरों पर। राहुल बोले, आदिवासी इस देश के पहले मालिक, युवाओं को एक साल अप्रेंटिस का वादा, सिवरी में कहा स्कॉलरशिप दुगनी करेंगे। शिवराज ने बोला सांसद बनूंगा, लोग बोले मुख्यमंत्री बनोगे, पूर्व सीएम का पांडुर्णा की जनता को जवाब, ऐसे कह रहे जैसे आपको ही बनाना है। इसके जवाब में शिवराज मुस्कुरा कर बोले, ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको ही बनाना है। पूर्व सीएम ने सोमवार को पांडुर्णा के बड़ चिचोली में छिंदवाड़ा से लोकसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के समर्थन में सभा की। भूतड़ी अमावस्या पर नींबू तलवार लेकर लगाई डुबकी, नर्मदापुरम के सेठानी घाट पर तंत्र साधना, उज्जैन के शिप्रा घाट पर जुटे श्रद्धालु। नरोत्तम मिश्रा ने जीतू पटवारी को कहा झूठा, पूर्व गृह मंत्री बोले उनका स्वभाव झूठ बोलकर चरित्र हत्या करने का है। दिग्विजय सिंह ने बताया क्यों मांग रहे माफी, ईवीएम पर बोले मैं बैलेट पेपर से चुनाव चाहता हूं, यह तभी संभव जब 384 कैंडिडेट हूं। मोदी ने कांग्रेस का लाइसेंस ही रद्द कर दिया, बस्तर में पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। घिसी पिटी हिंदू मुस्लिम स्क्रिप्ट का सहारा ले रहे पीएम मोदी, घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। अभिनेता संजय दत्त ने लोकसभा चुनाव लड़ने की खबरों को बताया वह पार्टी में शामिल होने को लेकर कही ये बात। उन्होंने कहा कि वो अभी किसी पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं, अभी तक जो खबरें चल रही हैं उन पर विश्वास ना करें। चुनाव से पहले सपा को लगा एक और बड़ा झटका, इस नेता ने पत्नी समेत छोड़ा साथ, जयंत चौधरी को माना अपना नेता। यूपी के पूर्व डीजीपी विजय कुमार अपनी पत्नी के साथ भाजपा में शामिल, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दिलाई सदस्यता। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज टॉप 10। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।